अरे वाह, आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज मेरा जन्मदिन नहीं, जोजो द मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा। चित्र खराब कर दिया। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं जग्गू का चित्र बना लूंगा। चलो मेरे तंबू में, मैं तुम्हें अपना खास चित्र दिखाऊंगा। जोजो जी, हम भी वो खास चित्र देखना चाहते हैं। मैंने सिर्फ जग्गू को बुलाया। जग्गू, तुम अकेले आना। वाह, ये पेंटिंग तो पेंटिंग लग ही नहीं रही। आओ बैठो। कैसे रहे हैं और ये कुर्सी? क्योंकि इन्हें मैंने रंगों से नहीं जादू से बनाया है। क्या मतलब? स्कूल के दिनों में मुझे चित्रकला में कम मार्क्स आते थे। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे मिला मेरे हुकुम का इक्का। मुझे जादू ब्रश की ताकत मिल गई, जिससे मैं जिंदा चीजों को पेंटिंग में बदल सकता था। उस दिन से मैं दुनिया के खास चीजों को अपने जादू से इकट्ठा कर रहा हूँ। चाहे वो बड़ी हो, पर तुम भी अब जोजो की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपने चित्र में इंसान चाहिए तो नहीं था, पर अब ये तुम्हारी सजा समझो। अभी पता चल जाएगा। तुमने तो मुझे बचा ही लिया, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त, पर अब हमें हम सबको बचाना है और यहाँ से बाहर निकालना है। कोई मुझे बताएगा हम आखिर हैं कहाँ? ये जोजो की दुनिया है। मैं परी रानी हूँ, वो बिगफुट, वो कक्कू और वो स्पिंक्स। मैं हूँ भीम और ये है जग्गू। पर आते ही तुम यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो है यहाँ, हवा, दोस्त और ढेर सारा खाना, पर आजादी तो नहीं है। हमने कोशिश की है कई बार, पर हम निकल नहीं पाए यहाँ से बाहर। अगर सबने कोशिश की है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। सुबह तो सब यही थे, अभी देखता हूँ। ये ब्रश मुझे ही दे दे जोजो। चलो। हो गई ना तुम्हारी तरकीब चौपट? अब ये क्या हुआ है जोजो? जोजो की दुनिया में कुछ कमी है। जोजो की हो गई ना जोजो की दुनिया पूरी। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। हाँ।
बाघ कहाँ गया? अरे ये क्या है? कालिया तुम ठीक तो हो? देखा मेरे लकी पत्थर का कमाल, कैसा लग रहा हूँ मैं? उस्ताद आप तो सच में बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। कालिया ये कोई शाही हीरा लग रहा है, तुम्हें इसे महल में सौंपना चाहिए। चुप करो भीम, जो जिसे मिला वो उसका। चलो दोस्तों चलते हैं। कालिया महल का रास्ता भूल गए क्या? मैं अब अमीर हो गया हूँ, मेरे पास इन सब बातों के लिए अब वक्त नहीं, मैं तो चला घर। ये आजादी। ए रुक जा। चलना चाहिए।
मिल गया। छेड़ो मुझे, छेड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। पहले पकड़ तो लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं, और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। कहाँ मैं चोरी करके राजा बनने का सपना देख रहा था, और यहाँ तो मेरा कड़ा भी चला गया। चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। फिर से पीठ दर्द, अब मैं घर कैसे पहुँचूंगा? अब तुम आराम करोगे भीम, वरना कभी ठीक नहीं हो पाओगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूँगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में बॉल कप के आर पार।
किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान टीम का और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों मैं अभी आया। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम? राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। आदमी भी फरार है, इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। राजकुमारी इंदुमती। हाँ तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह आहा, वाह 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 मजा आ गया। वाह कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे मजा। कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं।
मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताजा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम तीन प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, पाँव को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे पाँव से ओ यू टी आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो। करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हा? सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें
डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भी, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। तैयार रहना। लड्डू का शौकी